ओम श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणी गुरुवे नमः। आज गुरुवार है। गुरु गीता का जो आपके लिए बहुत अच्छा है सबके लिए, जिससे हमारी देवी शक्तियाँ गुरु भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रंग लाएगी, जो आज के समय में हमें और उनके साथ सानिध्य चाहिए, इससे हम गुरु से जुड़ जाते हैं। ये गुरु गीता जो हम प्रे भी करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मे श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ये सब हमारी प्रार्थना जो है गुरुदेव के लिए। गुरु गीता जो है ये महादेव शिवजी के मुख से निकली हुई पार्वती ने बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे बताइए। उन्होंने बोला था, ऋषिगण सारे इकट्ठे हो गए थे और बोला, सूत जी हमें विशेष रूप से गुणतम रहस्य गुरु गीता के बारे में कृपा करें सुनाएं। तो सूत जी बोले, कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भक्तों के कल्याण करने वाले शिव जी को प्रणाम करने के पश्चात पूछा, देवी बोली, हे देवाधिदेव, हे परात पर जगत गुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, कृपा करके मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। हे स्वामी, आप मुझे बताएं किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप है, शिवजी पार्वती माता को बोल रहे हैं, आपका ये प्रश्न बड़ा ही लोक हितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसने नहीं पूछा, आपकी प्रीति के कारण इसके उत्तर को मैं अवश्य दूंगा। हे महादेवी, ये उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत 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 दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूँगा, आप सुने। गुरु से अलग ब्रह्मा नहीं है, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है। हे श्रेष्ठ मुखमंडल वाली, ये सत्य है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति मंत्र यंत्र उच्चाटन आदि विद्याएं सब इसके आगे फेल हैं, जीव के चित्त को भ्रमित करने वाली होती हैं। यज्ञ व्रत ताप दन जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरुत्व के बोध के अभाव के बिना वो मूढ़ की तरह आचरण करते हैं, मूर्खों की तरह। आत्मा एवं सद्गुरु एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं, ये सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु सभी श्रेष्ठ कर्तव्य करने चाहिए। सद्गुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा हो जाता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान जी मिले जिससे हम कितनी शुद्ध आत्माएं बन गए सारे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यही नहीं देवी, मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूँ, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। हम आते हैं देहध्यासी, फिर दादा भगवान ने बोला तुम एक आत्मा हो, आत्मा हो, तो हम ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। सद्गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। नहाते समय भी आप गुरु के उसका भी ध्यान कीजिए, जिससे हमारे कितने तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। कोई भी मंत्र उच्चारण करिए, उसका ध्यान करिए। श्री गुरु के चरणों का जल पाप रूपी कीचड़ को समाप्त करने वाला होता है। हमारे जन्मों के पाप खत्म करे हैं ना भगवान जी ने,